बाबू भैया जा रहे गाइस अपनी मैक्लेरेन में, लेट्स गो जा रहे भाई। मैंने कहा वो बच्चे नहीं होते बचपन में जो सुपर कार देख करके जब अपना सपना पूरा होता है कितने खुश होते हैं। ये देखता है ये बोल, मुझे ना ब्लैक वाली पसंद आई है। ब्लैक वाली के लिए 2 महीना वेटिंग पीरियड बोल रहे हैं यार भाई, 1-2 महीना बोल रहे डिलीवरी क्या कर रहे। बाबू भैया को मौका मिला है गाइस हार्दिक पांड्या भाई के साथ एक कोलैबोरेशन करने का। ये काले माया। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं मैक्लेरन का शोरूम एंड वी हैव गॉट द कार आउट। इसका लिफ्ट सिस्टम चेक कर रहे हैं। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैं लिफ्ट सिस्टम ढूंढ रहा बटन का, लेकिन क्या दिखा मुझे ये देखो, ये चीज है 70। हां मैंने मैंने देखी वो परसों। yes. भाई हमें भी नहीं मिल रहा था परसों, हम भी ऐसे ही दिखा रहे थे, हमें पूरे फंक्शन पता है। ऐसे नहीं दिखाना, मैं सुनो शोरूम मैनेजर को कि हमें पता नहीं, समझ रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस इज्जत मैं ऐसे सिखा रहा हूं। मैंने कहा भाई देख ऐसे दिखा कि तुझे सब कुछ पता है। हां ओके, थोड़ा इधर भी इधर देखा वाला बटन। अली भाई बीइंग अ सुपर कार, जिन्होंने मेरे को सुपर कार में इंट्रोड्यूस कराया, स्पॉइलर खोल दिया भाई बंदे ने। चलो स्पॉइलर खोल दिया बंदे ने, चलो चलो वापस, चलो बॉम्बे चलो आप हमारे साथ, तो भाई नहीं रह सकते आप हमारी लैम्बो चला लेना उसमें बता देंगे हम लिफ्ट किट तो लिफ्ट कहां से होती है नहीं पता लग रहा है ना अली भाई। वो देखो वो रेड वाला बटन दबाओ, ये नीचे वाला नहीं दबाना, ये वाला, ये सीट बेल्ट का है, ये रहा ये रहा ये है कुछ, ये रहा ये रहा। हर्ष एक चीज बता, तू मेरे से इतना प्यार करता है क्या, तेरे और मेरे जूते सेम है, यहाँ पे भी टू टाइमिंग कर रहा है भाई, ये टू टाइमिंग हो गई है। वो बच्चे नहीं होते जब सुपर कार देख मैंने कहा वो बच्चे नहीं होते बचपन में जो सुपर कार देख करके जब अपना सपना पूरा होता है कितने खुश होते हैं। ये बोल लाउड तो है, देखो देखो इसकी टेस्ट राइड के लिए अली भाई शूट। बाबू भैया जा रहे गाइस अपनी मैक्लेरेन में, लेट्स गो। दरवाजा इतना चौड़ा है दिख भी नहीं रहे हो, दरवाजा मेरी साइड से खुल रहा है ब्रो। पुश बटन टू स्टार्ट करूं, कर लो या या आई नो, मैं बस आगे कर रहा हूं, उसे देखना पड़ेगा होएगी। ओए हां मैनुअल वाला, मैनुअल वाला मैं शॉक, मैंने कहा मैनुअल सिस्टम वही, इतनी महंगी गाड़ी और इतना। लेट्स गो 3-2-1। टू मेजरली स्टार्ट, भाई संभाल के ब्रेक, मैंने ब्रेक पे, भाई इसके ब्रेक नहीं काम कर रहे क्या अली भाई, इसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं काम कर रहे, थोड़ी लेट रुक रही है। मैं चलाऊं पहले? नहीं मैं चलाता हूँ। लैम्बो वाली फील तो, लेकिन लैम्बो वाली फील लैम्बो रहे यही से निकाली ना। अब तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है इनके साथ, ये लेफ्ट फील्ड ड्राइव है, तो लेफ्ट फील्ड ड्राइव में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है देखने के लिए, बट आफ्टर ऑल चला ही लेंगे मालिक। मेरे को दुबई में ना गाड़ी चलाना सिखाई अली भाई ने गाइस, लेफ्ट देख करके राइट देख करके निकाल ली गाइस हाईवे पे। भाई इसके ब्रेक्स बहुत स्लो लग रहे हैं, लेकिन अली भाई कसम से सही में, हाँ आपकी कसम, आप चला के देखना आते हुए। ओके एक चीज बताओ, इतनी महंगी गाड़ियां और हॉर्न देखो, आइसक्रीम वाला हॉर्न क्यों डाल रखा है इन लोगों ने। इंडिया में जब जो आइसक्रीम वाला आते ना, इंडिया में जब वो आइसक्रीम वाले भैया आते हैं ना, तो वो ये वाला हॉर्न बजाते हैं, मतलब आई थॉट की पावर सही होगी इसमें। अब आया टर्बो, बॉयज टर्बो, अब आया ना मजा। H2 में टर्बो जब स्पूल अप होता है ना, तब जाके वो स्पीड पकड़ती है, जैसे अभी यहाँ 3-2-1 गो, वाइब्रेट हुई क्या, वाइब्रेट हुई क्रेजी, दुक दुक थुक थुक। और मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे एकदम से स्पीड अप पे जाते हो ना, तो झूले में बैठ के फीलिंग नहीं आती भयंकर, हाँ वॉमिट वाली। 3-2-1 क्रेजी, 3-2-1 नाराज हूँ, मेरे बाल खराब हो गए पीछे से। ब्रेक्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग,
भाई पावर ही इतना ज्यादा है, 700 हॉर्स पावर, इमेजिन 700 हॉर्स पावर। अजीब सा हो गया सर का समझ, है ना गाइस। मैक्लारेन की पावर इज लाइक ओजी, एंड एकदम से लाइक इतना तेज जाने पे ना सर घूमने लग गया मेरा, आई डोंट थिंक सो आई कैन ड्राइव एनी मोर। अजीब सा हो गया, अजीब सा हो गया। आप चलाओ मालिक। हाँ मेरे को सच्ची में अजीब सा हो रहा है। ओके बॉयज, मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। एंड इन सुपर कार में ना पहले आपको अपना बम अंदर रखना पड़ता है, फिर आपको पैर अंदर रखने पड़ते हैं, फिर आप अपना डोर ऐसे नीचे कर सकते हो गाइस, और बैठ चुके हैं आप मैक्लारेन में। क्या फीलिंग है भाई, क्या फीलिंग है। रेट में भी थोड़ी सीट आगे कर लो अपने इतनी महंगी गाड़ी और ये लेवर दिया हुआ है। मेरी जो पापा की सोनेट है ना उसमें भी ऑटोमेटिक है, इस पे तो लीवर दे रहा है। ये देखो ऐसे खींच करके आगे कर रहे हैं। बस में बैठे हम लोग, ये जो फीलिंग है ना इसमें तो पकड़ने का भी नहीं है गाइस। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी लैम्बो को एक सेफ जगह शूट करने के लिए। ये चेक करो गाइस क्या मस्त लग रही है। एंड द थिंग इज गाइस, मैक्लारेन मुझे लगता है ब्लैक वाली फाइनल करते हैं, ब्लैक वाली करते हैं फाइनल। क्या बोल, जाके बात करते हैं शोरूम में फाइनल प्राइसेस और डिलीवरी के लिए। टेस्ट राइड तो ले लिया, अब ओके विद इट, जाते हैं शोरूम में और आगे की कहानी बताते हैं आपको। ओके बॉयज, हम लोग टेस्ट राइड लेकर के वापस आ चुके थे मैक्लारेन के शोरूम में। एंड अली भाई जैसा नेगोशिएटर ना आपके पास होना चाहिए गाइस, क्या प्राइस तोड़वाते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा करके जो ये पैसे कम करवा रहे थे ना, हर्ष बैठा हुआ था मीटिंग में। हर्ष बताइयो अली भाई के टैक्टस, मतलब तो एक ही गाड़ी तो ले निकली जाएगी। जितना उन्होंने पैसे कम कराए ना उतने में एक सुपर M4 हम लोग ऐसे ही बाय कर सकते हैं। सो द थिंग इज गाइस, प्राइस फाइनल लॉक हुआ है हमारा। द ओनली कंसर्न इज द डिलीवरी टाइम पीरियड। भाई एक दो महीना बोल रहे डिलीवरी का, क्या करना है, दैट्स द सीन ना। मैं आपको बता देता हूँ, दो मैक्लारेन देखी है, एक ब्लैक वाली और एक वाइट वाली। मुझे ना ब्लैक वाली पसंद आई है, ब्लैक वाली के लिए 2 महीना वेटिंग पीरियड बोल रहे हैं यार। वाइट वाली तो ये अभी बोल रहे हैं कि अब भी उठा करके लेके चले जाओ, बट मुझे वाइट नहीं लेनी, मुझे ब्लैक ही लेनी है। वाइट ऑलरेडी मेरे पास सुपरा है एंड मेरे को वो ब्लैक में ही पसंद आई है। और ब्लैक चल रही है, क्या पता 2 महीने से और भी पहले हो जाए। अभी हम लोग पिछले 2 घंटे से बैठ करके ना यहाँ पर बात ही कर रहे हैं, वो चेक करो सामने भी वो लोग बात ही कर रहे हैं गाइस। होप हो जाए टाइम पीरियड के लिए, बोल रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं कि जितना अर्ली आपको अवेल करा सकते। एक्चुअली क्या है, वो किसी एक और कस्टमर की गाड़ी आई है ब्लैक वाली, तो शायद से वो कैंसिल आउट करा के दे दें, बट चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं गाइस। फिलहाल अभी MK4 वाला सीन सॉर्ट हुआ। हाँ जा रहे देखने, पक्का जा रहे देखने गाइस। जब तक ये चीज़ सॉर्ट हो रही है ना तब तक MK4 भी देख करके आते हैं। एंड उस बंदे ने बोला है कि भाई गाड़ी तुम देख सकते हो लेकिन वो कोई और सिटी में, तो वो आ रहा है रास्ते में, वो आ रहा है। हाँ लेकिन वो बोल रहे गाड़ी तुम देखने चले जाओ, चाबी उसके पास है, वो कोई और सिटी में, वो आ रहे ड्राइव करके आ रहे। कौन सी वाली, ऑरेंज वाली? ऑरेंज वाली देख सकते हैं ना, ऑरेंज वाली। ओके बॉयज, लोकेशन आ रहा है ऑरेंज वाली का, यहाँ से वहीं वाली लोकेशन पे जाएंगे। लैम्बो के भी सामान खरीदने, आज बहुत सारे काम निपटाने, चलते हैं निकलते हैं फिर। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में टेस्ट राइड के बाद। एंड मैं आपको बता देता हूँ जिस गुड न्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा था गाइस, वो गुड न्यूज फाइनली हमारे पास है। मैं आपको बता देता हूँ, बाबू भैया को मौका मिला है गाइस हार्दिक पांड्या भाई के साथ एक कोलैबोरेशन करने का। दिस इज गोना बी माय फर्स्ट बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर। जिन क्रिकेट टीम प्लेयर्स को हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं गाइस, इंडिया के लिए इतना प्राउडली खेलते हुए देखते हैं, मेरे को मौका मिला है कि मैं उनके साथ जा करके कोलैबोरेशन कर सकूं, उनके साथ घूम सकूं। एंड दिस शो इज माय बिगेस्ट कोलैबोरेशन। ये ऑलरेडी 1 महीने से चल रहा था एंड इसकी डेट 24 की फिक्स हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। एंड इसीलिए गाइस मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया। हम लोगों ने ना डिलीवरी का प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि ये पहली गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ मैं आपको कल ड्रॉप करूंगा। एक आप लाइक इस हफ्ते ना लोग बहुत खुश होने वाले क्योंकि जितनी मेहनत करिए ना, जब से बिग बॉस के घर से बाहर आया हूँ तब से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑफर्स मिले थे। एंड धीरे धीरे नाउ इट्स द टाइम टू प्ले द कार्ड्स। ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है, कांट टेल यू कितना एक्साइटेड हूँ। क्या बोल रहे हो बॉयज, हार्दिक पांड्या इंडिया से। ओ भाई, हार्दिक पांड्या भाई के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, हर्ष तेरा कुछ मैसेज पहुंचाना है हार्दिक भाई को? अच्छा खेलना नहीं लेकिन तेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार भाई, हम सबके लिए गाइस, हम सबके लिए। गांव में विलेज के बच्चे, गांव के बच्चे, अब थोड़े से रूल्स भी सीख कर आना ठीक है क्रिकेट के। क्या मैं हार्दिक भाई से ना क्रिकेट सीख कर के आऊंगा बस। वो जरूर सीखना भैया, जो आप कहते हो ना कि पहली बॉल पे आउट हुआ तो आउट नहीं हुआ, हार्दिक भाई बताना। मैं पूछूंगा हार्दिक भाई से, मैंने कहा हार्दिक भाई एक चीज बताओ, जब आप धोनी भाई के साथ या इन सब लोगों के साथ क्रिकेट क्रिकेट खेलते हो तो उसमें ऐसा हो जाता है कि अगर पहली बॉल में आउट हो गए तो पहली बॉल ट्राई बॉल होती है क्या? मतलब ठीक है हमारी गली क्रिकेट में तो होती होगी, आपके इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट में होती ही नहीं होती है। सो द थिंग इज गाइस, मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूँ कि पूरा प्लान क्या हुआ है।
प्लान ये हुआ है कि हम लोग आज डिलीवरी ले रहे थे, हम लोगों को मस्टैंग लेने भी जाना था, बट देन गाइस वी डिसाइडेड मैं अपनी मैक्लेरन की डिलीवरी थोड़ा आगे पीछे कर सकता हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटीज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अभी तो लोगों को बता दें बड़ी बड़े पर्दे वाली चीज़। हाँ सब बता दो तुम, अभी आने वाले कुछ दिनों में बताएंगे गाइस, बोर्डिंग लगेंगे तुम्हारे भाई के, एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों के कारण, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल, जो लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे और बहुत सारे लोग आपको पुल डाउन करने के लिए भी आएंगे, एंड ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, हर कोई बंदा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कोई बेटर जॉब के लिए कर रहा है, कोई बेटर पैसे के लिए कर रहा है, कोई घर वालों के लिए कर रहा है, एंड जब भी आप थोड़ा सा जिंदगी में बेटर कर रहे होंगे ना तो पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट याद रखना ये स्टेटमेंट कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको नीचे नहीं गिरना है, हमेशा वहां से उठना है, एंड अगर आप वहां से उठ गए ना तो एक दिन फॉर श्योर आप अपने सपने जी रहे होंगे, एंड जो लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे होंगे वो वहीं पर ही रह जाएंगे, एंड ये सब लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करना, मेहनत करना आपका फर्ज है, एंड आई विश जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैंने भी अपने घर वालों को नहीं बताया, पता है कि मैं हार्दिक पांड्या भाई के साथ कलाबरेट कर रहा हूँ, इतना बिजी चल रहा हूँ काम में, बट जब मैं अपने घर वालों को बताऊंगा ना कि हमारे इंडियन टीम के एक्स कैप्टन हार्दिक पांड्या भाई के साथ मिलने का मौका, उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मौका मिल रहा है, कांट टेल यू कितनी बड़ी न्यूज होने वाली है। एंड एन एक ट्विस्ट और भी है गाइज इस ब्लॉग में कि मेरे साथ अली भाई भी इंडिया जा रहे हैं गाइज, फाइनली गाइज छह महीने, बट मैं इस टाइम इन्हें लैम्बो से थोड़ा दूर रखूंगा क्योंकि H2 दी थी लास्ट टाइम वो टर्बो वाली गाड़ी, मजाक कर रहा हूँ सब कुछ आपके, बट दूर रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए गाइज। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एंड द थिंग इज हमारी फ्लाइट है सुबह 5 बजे की, मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत बड़े धमाके के साथ, बैकएंड पे गाड़ी का काम भी चलता रहेगा, MK4 भी देखनी थी, बहुत सारे काम रुके हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी मेरे को करनी थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज।